नमस्कार प्यारे छात्र, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वच्छ रहिए, वातावरण को स्वच्छ रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए, गुरुजन तथा माता पिता का सदैव सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कल हमने करण में सह सातम सार्धम समम तथा जिस अंग के द्वारा शरीर में विकार उत्पन्न हो संघ में तृतीय विभक्ति का वर्णन किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। हेतु कारण या हेतु बोधक शब्द शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे विद्या धर्मेण शोभते, हेतु कारण या हेतु बोधक शब्दों में हेतु हो, कारण हो या हेतु बोधक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से सुशोभित है। देखिए हिंदी पर पढ़िए, विद्या धर्म से सुशोभित है। तो किससे सुशोभित है? धर्म से, ठीक है। इसीलिए धर्म में किसका प्रयोग हुआ? तृतीय विभक्ति का। धर्मः सत्येन रक्षते, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। कारण है कि धर्म की रक्षा किसके द्वारा होती है? सत्य के द्वारा। इसीलिए सत्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सदृश अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सदृश अर्थात समानता। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। ज्ञानेन यानी ज्ञान के बिना, समम यानी समान, ज्ञान के ज्ञानेन यानी ज्ञान के, सदृशम यानी समान, पवित्रम यानी पवित्र, इह यानी यहाँ, विद्यते यानी विद्यमान, नहीं यानी नहीं है। अर्थात ज्ञान के समान यहाँ कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान के समान यहाँ कुछ भी पवित्र नहीं। रामेण सदृशः न भुवि राजा, राम के समान पृथ्वी पर कोई राजा नहीं। राम के समान, रामेण सदृशः अर्थात राम के समान पृथ्वी पर कोई राजा नहीं हुआ। समझ गए? सदृश अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तथा हेतु कारण या हेतु बोधक शब्दों में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? पूर्व में पढ़ा हमने जो सहायक है क्रिया की सिद्धि में, जो सहायक है उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सह साकम सार्धम समम के साथ तथा अप्रधान में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जिस अंग के द्वारा शरीर में विकार उत्पन्न होगा उस अंग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। हेतु कारण या हेतु बोधक शब्दों में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सदृश अर्थ बताने वाले शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। संप्रदान, जिसके उद्देश्य से कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके उद्देश्य से कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ब्राह्मणाय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। किसको गाय दे रहे हैं? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेहा प्रियाय पुस्तकम ददाति, नेहा प्रिया को पुस्तक देती है। तो देने के योग में प्रिया में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देने के योग में प्रिया में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ब्राह्मणाय गाम ददाति, दा धातु के योग में यानी देने के योग में किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को। इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति को प्रयोग होगा। नेहा प्रिया को पुस्तक देती है। किसको दे रही है? प्रिया को। इसलिए प्रिया में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रुच, अच्छा लगना धातु, रुचि धातु तथा रुचि अर्थ वाली अन्य क्रियाओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग और अब रुचि धातु यानी अच्छा लगने के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। यथा हरिये रोचते भक्ति ही, हरिये रोचते भक्ति ही,
हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरिये रोचते भक्ति ही, हरिये रोचते भक्ति ही, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। किसको? हरि को। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, इसलिए रुचि धातु के योग में हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालकाय क्रीडन रोचते, बालक को खेलना बहुत पसंद है, तो रुचि धातु के योग में बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया और अब रुचि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्रुद्ध, क्रोध करना, द्रोह, द्रोह करना, ईर्ष्या, ईर्ष्या करना, असूया, जलना अथवा अर्थात जलन करना। अर्थों वाली क्रियाओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, यथा पिता पुत्राय क्रोध्यति, पिता पुत्राय क्रोध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। किस पर क्रोध किया जा रहा है? पुत्र पे। इसलिए क्रुद्ध धातु के योग में पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। दुर्जन है सज्जनाय द्रुयति, दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है, किससे? सज्जन से। इसलिए द्रुह धातु के योग में सज्जन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मूर्ख है पंडिताय ईर्ष्यति, मूर्ख पंडित से ईर्ष्या करता है, किससे? पंडित से। इसलिए ईर्ष्या के योग में पंडित में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह सज्जनाय असूयति, वह सज्जन से जलन करता है, अतः असूया के योग में सज्जन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, नमः यानी नमस्कार करना, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा यानी अग्नि को स्वाहा, स्वधा यानी पिता जो पितृ इत्यादि होते हैं उनको अर्पण, अलम यानी बस पर्याप्त आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे तस्मै गुरुवेः नमः, नमः के योग में गुरु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रजाभ्यः स्वस्ति भूयात्, स्वस्ति के योग में प्रजा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पितृभ्यः स्वधा, स्वधा के योग में पितृ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दैत्येभ्यः हरि अलम, अलम के योग में दैत्यों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात देवताओं के लिए हरि ही पर्याप्त है। किसके लिए? देवताओं के लिए। कौन? हरि। देवताओं के लिए हरि ही पर्याप्त है, अतः देवताओं में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसके योग में? अलम के योग में। ठीक है, देखो तस्मै गुरुवेः नमः, उन गुरु को नमस्कार है। प्रजाभ्यः स्वस्ति भूयात्, प्रजा का कल्याण हो। पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए अर्पण। दैत्येभ्यः हरि अलम, देवताओं के लिए भगवान ही पर्याप्त है। नेक्स्ट, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे काव्यम यशस्य भवति, काव्य यश के लिए होता है। काव्य किसके लिए होता है? यश के लिए। इसलिए यश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पार्वती तप से तपोवनम आगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए वन में गई, पार्वती तपस्या के लिए वन में गई, अतः तप में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। किसके लिए? तप करने के लिए। इसलिए चतुर्थी विभक्ति तप में हुई। मुक्तये हरिं भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। किसके लिए? मुक्ति के लिए। इसलिए मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। राम है पठनाय गच्छति, राम पढ़ने के लिए जाता है, राम पढ़ने के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? पढ़ने के लिए। इसलिए पठ धातु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। क्लियर? देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया आदि अर्थों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग,
नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम आदि के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाए उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ। आगे चलते हैं अपादान कारक पे। जिससे किसी वस्तु को पृथक होना या अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे किसी वस्तु का पृथक होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह ग्रामात् आगच्छति, वह गांव से आता है। सह ग्रामात् आगच्छति, वह गांव से आता है। सह ग्रामात् आगच्छति, गांव से अलग हो गया ना वे, पहले गांव था, गांव से आ गया, गांव से अलग हो गया। अतः सह ग्रामात् आगच्छति। वृक्षात् पत्रं पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पहले पत्ते वृक्ष के ऊपर थे, अब वृक्ष से पत्ते गिर गए। पहले पत्ते वृक्ष के ऊपर थे, ठीक है, अब पत्ते वृक्ष से नीचे आ गए, अलग हो गए ना वृक्ष और पत्ता। वृक्ष और जो पत्ते थे वो अलग अलग हो गए। इसीलिए किससे अलग हुए, वृक्ष से। तो जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वह गांव से आया, कहां से आ गया, गांव से, गांव से अलग हुआ। जिससे अलग हुआ उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सह ग्रामात् आगच्छति, वृक्षात् पत्रं पतति, जिससे भी अलग हुआ, जिस स्थान से अलग हुआ उस स्थान पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। भय अर्थ वाली तथा रक्षा अर्थ वाली धातु के योग में जिसमें भय हो अथवा जिससे रक्षा करनी हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। भय अर्थ में और रक्ष धातु के योग में सदैव पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे सह सिंगात विभेति, किससे डरता है, सिंह से, इसलिए सिंह में कौन सी विभक्ति, पंचमी। चह चोरात विभेति, वह चोर से डरता है, किससे डरता है, चोर से, इसलिए चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग। अहम राक्षसात विभेति, मैं राक्षस से डरता हूँ, किससे डरती हूँ, राक्षस से, अतः राक्षस में पंचमी विभक्ति। सह माम व्याघ्रात त्रायते, वह मेरी बाघ से रक्षा करता है। सह माम व्याघ्रात त्रायते, रक्षा धातु हो गया ना, रक्षा अर्थ वाली धातु। त्राय त्रा का अर्थ होता है, आपने भगवान की कोई सीरियल देखा हो तो उसमें आते हैं सभी देवता एक साथ शिव जी के पास, विष्णु जी के पास या ब्रह्मा जी के पास, और बोलते हैं त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो त्रा किस अर्थ में आता है, रक्ष धातु के योग में। सह माम व्याघ्रात त्रायते, वह मेरी बाघ से रक्षा करता है। नेक्स्ट, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह उपाध्यायात विद्याम अधीते, वह उपाध्याय से विद्या सीखता है। तो नियम पूर्वक विद्या को ग्रहण कर रहा है, इसलिए गुरु में उपाध्याय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जन यानी उत्पन्न करना धातु कर्ता के अर्थ, जन धातु कर्ता के हेतु में अथवा जिससे वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, गोमी आते वृश्चिक जायते, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न हुआ, गोबर से, मीठे से चींटियां उत्पन्न होती है। किससे, मीठे से। तो पंचमी विभक्ति किसमें आएगी, मीठे में। इसी प्रकार गोम्यात वृश्चिक जायते, गोबर से बिच्छू पैदा होता है। किससे उत्पन्न हुआ, गोबर से, इसलिए गोबर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गोम्यात वृश्चिक जायते, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। प्रजापते ही प्रजा अजयंत, प्रजापति से प्रजा उत्पन्न होती है। हम लोग प्रजापति से ही उत्पन्न हुए हैं,
तो प्रजापते हे प्रजाहा अजयते, हमको उत्पन्न करने वाले कौन है? प्रजापति। तो प्रजापते हे प्रजा अजयते। कामात क्रोधो अभिजयते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध किससे उत्पन्न हुआ? काम से। अतः काम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, प्रादुर्भाव के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। प्रादुर्भाव के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, जिसे पंगात उत्पलम जायते, कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वस्तु जहां से अलग होती है, उस अलग होने वाले स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग। भया तथा रक्ष अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग। जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग। जन धातु कर्ता के हेतु में जिस वस्तु को उत्पन्न, मतलब जहां से वस्तु उत्पन्न होती है, जिससे वस्तु उत्पन्न होती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग। और अंतिम है, प्रादुर्भाव के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर? आगे चले, षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षस्य उपरी खगाः तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे। देखो, ऊपरी और उपरी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपर से भी ऊपर, ऊपरी और उपरी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, और ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। वृक्षस्य उपरी खगाः तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठते हैं। इदं रामस्य पुस्तकम् अस्ति, यह राम की पुस्तक है। तो देखो क्या बोला, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध हो, वहां संबंध कारक होता है। यानी राम का पुस्तक के साथ संबंध है कि यह राम की पुस्तक है। राम का उसकी पुस्तक के साथ संबंध होने के कारण यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, ऊपरी अधः, ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, पुरतः यानी दोनों, पश्चात यानी बाद में, दूर यानी दूर, अंतिम यानी अंतिम, कृते यानी के लिए, समक्षम यानी सामने, तथा योग्य शब्दों के साथ एवं हेतुवाचक शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, पुरतः यानी सामने, पुरतः यानी सामने, पश्चात यानी बाद में, दूर यानी दूर, अंतिम यानी अंतिम, कृते यानी के लिए, समक्षम यानी सामने, तथा योग्य शब्दों के साथ एवं हेतुवाचक शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे तरुणाम अधः, वृक्षों के नीचे, तो अधः के योग में तरु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तरुणाम अधः। वृक्षस्य उपरी, वृक्ष के ऊपर, ऊपरी के योग में वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। भारतस्य पुरतः हिमालयः तिष्ठति, भारत के सामने हिमालय खड़ा है, तो पुरतः के योग में भारत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राज्ञः समक्षम न्यवेद्यत, राजा के समक्ष नवेद्यत यानी निवेदन किया, तो समक्ष के योग में राज्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। एतद् भवतः योग्यम नास्ति, यह आपके योग्य नहीं है। ठीक है, तो योग्य के अर्थ में भवत, भवान में भवतः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अन्नस्य हेतोर वसति, अन्न के कारण निवास करता है, बोला हमने। देखो, ये देखिए, हेतुवाचक शब्दों के योग में, कर्सर दिखाई दे रहा होगा ना, हेतुवाचक शब्दों के योग में, तो अन्नस्य हेतोः वसति, अन्न के निमित्त रहता है, ये अन्न के कारण रहता है। तो हेतु के अर्थ में, हेतुवाचक शब्दों में, के कारण अन्न में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अल्पस्य हेतोः बहु हातुम इच्छनः, अर्थात थोड़े के लिए बहुत छोड़ने वाले, थोड़े के लिए हेतु के योग में अल्प में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट, अनादर के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है।
अनादर के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे रुद्रतः पुत्र से त्यक्त्वा अम्बा वनम गतः। रुद्रतः यानी रोते हुए, पुत्र से यानी पुत्र को, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, अम्बा यानी माँ, वनम यानी वन को, गतः यानी चली गई। पुत्र को रोता हुआ छोड़कर बात पुत्र को रोता हुआ रोते हुए पुत्र को छोड़कर माता वन को चली गई। इसीलिए किसको छोड़कर? पुत्र को छोड़कर। पुत्र का अनादर हो गया ना एक तरह से, कि या अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और आप क्लास में से उठकर चले जाओ तो मेरा अनादर हुआ, तो मुझ में यानी अध्यापक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अनादर आपके द्वारा किया गया, किसका? मेरा। तो अध्यापक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो रुद्रतः पुत्र से, पुत्र को त्याग कर छोड़कर माता बने को चली गई, तो पुत्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। तुलना में षष्ठी विभक्ति होती है, तुलना में षष्ठी विभक्ति होती है, यथा नदीनाम गंगा पवित्रतमा। नदीनाम गंगा पवित्रतमा, नदियों में गंगा पवित्र है, नदियों में गंगा पवित्र है, या आप बालकों में राम है, तो बालकेषु रामः श्रेष्ठतमा। बालकेषु रामः श्रेष्ठतमः, बालकों में राम श्रेष्ठ है, तो किसमें? बालकों में, जिनमें श्रेष्ठ है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। चलिए, संबंध में क्या क्या पढ़ा हमने, कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, जिसका जिसके साथ संबंध होगा, यानी वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठते हैं तो वृक्ष में षष्ठी विभक्ति, राम की पुस्तक है तो राम में षष्ठी विभक्ति। ऊपरी अदाह पुरतः पश्चात दूर अंतिम कृते समक्षम तथा योग्य शब्द और उसके अलावा हेतुवाचक शब्दों में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अनादर के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और तुलना करने में भी, जिससे तुलना की जा रही हो वहां भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अंतिम जो सप्तम यानी आपका अंतिम अधिकरण जो बचा है उसको हम अग्रिम कक्षा में करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कारक, कर्ता, कर्म, फिर करण, तत्पश्चात हमने पढ़ा संप्रदान, उसके बाद अपादान, और आज हमने पढ़ा संबंध, अपादान और संबंध कारक। ठीक है, कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अग्रिम कक्षा में अधिकरण कारक और अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।